अच्छा, ये क्यों फालिश क्यों पड़ता है? जिमनन जो मेरी थोड़ी भावना है, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं जानते तो मैं अर्ज करूं, आपके जब खून गाढ़ा होता है ना तो इसमें बन जाते हैं क्लॉट। क्लॉट्स का मतलब एक गाढ़े खून का एक लो थोड़ा सा बन जाता है। और अगर आपने दिमाग देखा हो तो इसकी रगें बहुत ही बारीक बारीक होती है। अब जब वो खून सर्कुलेट करके आपके दिमाग की रगों में जाते हैं ना तो वो क्लॉट्स जो है जाके फंस जाते हैं। अब जब फंस जाते हैं तो दिमाग जो है ना ये करंट असल में छोड़ता है, करंट जिसे आप मेन बोर्ड के बटन ऑन करते हैं ना तो एकदम सप्लाई वहां तक आती है और बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन दरमियान में अगर तार काट दें तो फिर ऑन नहीं होगा। ऐसे वो क्लॉट फंसकर उस करंट को रोक देता है जो करंट वहां से उस उर्स तक पहुंच रहा है। तो दिमाग ऑर्डर करने लगता है लेकिन वो करंट मुनकते हो गया तो वो आजा हरकत नहीं करता। इसलिए जो 50 या 50 से अबव हजरात हैं वो इस कार्ड वगैरह डॉक्टर देते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डेली एक गोली लाजिम ले। बाहर के मुल्कों में 50 से अबव लाजिम इस कार्ड लेते हैं। ये खून को पतला करने वाली दवा है, क्लॉट्स नहीं बनने देती, बन जाए तो उसको रिजोल्व कर देती है। इसकी केयर करें आप, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होना है तो नहीं, अल्लाह ने किस्मत में लिखा है, चाहे कुछ भी ना इस्तेमाल करें। लेकिन इंसान को तदबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, उसकी रोशनी में कोशिश ये कीजिए कि ये 50 साल और उसके बाद वाले जो हैं इस दवा को जरूर इस्तेमाल करें। मेरे कहने पे नहीं, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछें कि भाई क्या मैं ये दवा इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस कार्ड नाम याद रखिएगा। डॉक्टर आपको अगर कहे कि हाँ आप कर लें तो आप कर लीजिए, और मुझे यकीन है वो आपको कहेंगे आप करें। खुसूसन जो हमारा गिजाई निजाम है ना और उसके बाद जिस्मानी मेहनत का मामला है, ये मतलब सही नहीं। शादी ब्याह में जाएंगे बोलेंगे कोरमा है कि नहीं, और कोरमे में मसाला इतना सा और ऊपर तरी इतनी, जैसे नाक बंद करके डुबकी लगा लो और यूं उतारेंगे चिकनाइयां, उस पर डबो डबो के खा रहे हैं, अंदर जाके सब वो चिकनाई जम रही है आपके रगों के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता खून को फ्लो कम कर रही है, फिर आपके खून में चर्बी फैट ज्यादा होती चली जाती है। शुरू में पता नहीं चलता, हमारे जवानी होती है खून गर्म होता है, बाद तो फैट बनती है एकदम पिघल जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खून थोड़ा सा सर्द होना शुरू होता है, ओवर एज होते हैं, फिर वो बड़ी मुसीबतें हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से, शदीद किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए।